नमस्कार, मैं अरुण सैनी, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं आसा रोडी चेक पोस्ट पर, और आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, यहां पर जो भी बाहर से गाड़ियां आ रही है उन सभी की यहां पर COVID-19 रैपिड एंटीजन जांच यहां पर कराई जा रही है, क्योंकि लगातार कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना लगातार दुनिया भर में अपने तीसरी लहर की दस्तक दे चुका है। भारत में भी रोजाना कोरोना के काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी कोरोना के रोजाना पिछले 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो 1400 से ऊपर केसेस उत्तराखंड में पाए गए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो केसेस COVID-19 के आए हैं वो देहरादून से 450 केसेस पिछले 24 घंटे में अकेले देहरादून से आए हैं। ऐसे में आज हम यहाँ पर, अब ऐसे में प्रशासन भी सख्त हो चुका है। लगातार यहाँ पर जो भी बाहर से गाड़ियाँ आ रही है, अन्य प्रदेशों से जो गाड़ियाँ आ रही है, उनकी उन सभी लोगों की यहाँ पर COVID-19 रैपिड एंटीजन जांच यहाँ पर की जा रही है। आज हम बात करेंगे, यहाँ पर जानेंगे कि पिछले आज अभी तक यहाँ पर कितने मामले यहाँ पर आ चुके हैं और कितने लोग अभी तक यहाँ पर संक्रमण हो चुके हैं, और कितनी एक दिन में कितनी जांच यहाँ पर की जा रही है, और किन कि क्या क्या एहतियात यहाँ पर बरती जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नोडल अधिकारी, हम इनसे जानेंगे कि अभी तक कितने मामले यहाँ पर आए हैं। सर, अभी तक आपने यहाँ पे कोविड जांच चल रही है, तो सुबह से अब तक कितने मामले लगभग आ चुके हैं? सर, सुबह से अब तक लगभग लगभग 12 से 15 पॉजिटिव आ चुके हैं जी। ठीक है, और हम 250 से 300 टेस्टिंग कर चुके हैं अभी तक जी। तो अगर बात की जाए तो 24 घंटे की अगर पूरे दिन का डेटा अगर निकाला जाए, तो एक दिन में यहाँ पर कितनी आप जांच आपके द्वारा की जाती है, और कितने लोग अभी मतलब 24 घंटे में पॉजिटिव आ जाते हैं? सर, यहाँ पे 24 घंटे में जो जांच हो रही है लगभग 800 से 1000 के बीच में हो रही है, जिसमें 30 से 40 बंदे पॉजिटिव आ जा रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे नोडल अधिकारी, इन्होंने यही कहा है कि 24 घंटे में 1000 से ज़्यादा यहाँ पर जांच की जा रही है, जिसमें प्रत्येक दिन 40 से ऊपर लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, और अभी तक आज की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक 15 से 16 लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। ऐसे में ये साफ दिखाई दे रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर किस तरीके से कितनी तेजी से दस्तक दे चुकी है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं पूरे देहरादून से धरातल की रिपोर्ट, चाहे पल्टन बाजार की हो या धर्मपुर की, चाहे आज इसी को दिखाने के लिए हम आज आसा रोडी पर पहुंचे हैं, और आज यहाँ पर हमने आपको दिखाया है कि लोग अभी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में COVID-19 जांच भी लोग करा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब लोग भी एहतियात बरत रहे हैं, लोग भी सतर्क हो चुके हैं। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देहरादून से देवभूमि न्यूज़ के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट।